आपके पास आर्टबोर्ड के ऊपर मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं, जो शेप्स होती हैं, टेक्स्ट होता है, जो भी कुछ भी है, इसको अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है, अलाइन करना है, तो एक आपके पास पैनल है ट्रांसफॉर्म का और एक पैनल है अलाइन का। ट्रांसफॉर्म का पैनल के अंदर कुछ ऑप्शंस होती हैं, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की पोजीशन सेट करना, उस ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक, जैसे ग्राफ पेपर ऊपर लगे होते हैं, तो वो आपको पॉइंट टू पॉइंट एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह, रिलेटिव टू इट्स सेंटर पॉइंट, रिलेटिव टू इट्स सेंटर पॉइंट आप मूव कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड वाई एक्सिस एंड नेगेटिव साइड। फिर ट्रांसफॉर्म में ही दो ऑप्शंस होती है, विड्थ एंड हाइट सेट करना, ये भी की जा सकती है, और इनको आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। मीन्स दैट विड्थ बढ़ाओगे हाइट बढ़ेगी, विड्थ कम होगी हाइट कम होगी। इसके अलावा इसमें आप रोटेट कर सकते हो, इसके अलावा इसमें स्क्यू कर सकते हो, टिल्ट भी बोलते हैं, स्क्यू भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो काम की चीज की जा सकती है, अगर वो दो तीन जगह पे आपके पास अवेलेबल होती है ऑप्शन, स्केल कॉर्नर्स एंड स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, ये कुछ ऑप्शन है रेलेवेंट टू ट्रांसफॉर्म। जो एक और बॉक्स, एक और पैनल जिसको एक्सप्लोर किया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, अलाइनमेंट। आप अपने ऑब्जेक्ट्स को, एक है या 10 है या 100 है, उनको अलाइन कर सकते हो। अलाइन हॉरिजॉन्टल होता है, अलाइन वर्टिकल होता है, और इसके अलावा, अलाइन के अलावा अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली वेरिएबल डिस्टेंस पे मौजूद है, डिफरेंट डिफरेंट, एक से दूसरे का डिस्टेंस कम है, उससे अगले का ज्यादा है, फिर कम है, फिर ज्यादा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप अपनी ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली करना है वर्टिकली भी कर सकते हो। अब वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, वो टॉप एज से होगी, सेंटर पॉइंट से दूसरे को पोजिशन करेगा। वो सेम ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो जाएगी, सर्कल, एलिप्स, पॉलीगॉन, आप एक ही सीध में रख लो और उनका डिस्टेंस आप अलग अलग कर दो। आप इनको इक्वल डिस्टेंस रिलेटिव टू इट्स टॉप पोजिशन, रिलेटिव टू सेंटर वाइल, और रिलेटिव टू इट्स बॉटम, जो उसका बॉटम हिस्सा होता है उसके हिसाब से। और जिस तरह हम वर्टिकल होते हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल भी होता है, रिलेटिव टू इट्स लेफ्ट, रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल सेंटर, और रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल राइट साइड। स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग भी एक ऑप्शन है एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है अलाइन टू। अब अलाइन टू व्हाट? अलाइन टू आर्टबोर्ड, और अलाइन टू सम ऑब्जेक्ट, और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, और अलाइन टू सिलेक्शन, तीन ऑप्शन होती है इसमें, ये मैं आपको दिखा देता हूं। पहले अभी हम फ्यू मिनट्स में ट्रांसफॉर्म और अलाइन के पैनल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं और क्या यूज होता है वो देख लेते हैं, किस तरह आपके जो प्रेजेंस है वो चेंज होती है स्क्रीन के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की पोजिशनिंग, अलाइनमेंट। अब फिर इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो पाथ फाइंडर है, जो कि थर्ड वाला टैब है, लेकिन पहले हम दो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में आप अपने उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, उसकी रोटेशन को, उसकी रिफ्लेक्शन को, उसकी स्केलिंग शेयरिंग वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट में जिस तरह आपको बोला, तीन तरह की अलाइनमेंट्स होंगी, रेलेवेंट टू सिलेक्शन, रेलेवेंट टू की ऑब्जेक्ट, रेलेवेंट टू आर्टबोर्ड। तो पहला एक्शन हम इसी पे कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको अगला पैनल सिखाता हूँ। तो एक आर्टबोर्ड बना लेते हैं, जो कि आपने अपने क्लाइंट के लिए रेडी करना था, और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस थी और उनकी पोजिशनिंग थी। तो ये आर्टबोर्ड्स हैं, अगर आप समझते हो एक्स्ट्रा आर्टबोर्ड्स हैं, तो एडिट आर्टबोर्ड्स करके यहाँ से इसको रिमूव कर देना। सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड मैंने यहाँ रख दिया, और जहां तक आर्टबोर्ड का साइज है, जो कि इस वक्त 8.5 बाई 11 है, इस आर्टबोर्ड के साइज को अगर आपने करना हो चेंज, ये भी किया जा सकता है, ये यहां से होता रहता है, लेटर साइज, लीगल साइज, A4 एंड एनी अदर। ऑरिएंटेशन चेंज करनी, आप इधर से कर लो। ऑरिएंटेशन लैंडस्केप होती है, जो कि है, और ये पोर्ट्रेट होती है, 8.5 बाई 11, और ये 11 बाई 8.5। तो ये आर्टबोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके लिए आपको आर्टबोर्ड का पैनल ऑन करना पड़ता है, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करना है वो ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं यहाँ पे,
बिल्कुल इसके कॉर्नर पे, यहाँ पे शेप के साथ बनाओगे तो आपको पता बिल्कुल स्क्वेयर शेप में इक्वल साइड के साथ ये बन जाता है। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यूज कॉर्नर के ऊपर आपको पता है, वाइट फेल एंड ब्लैक स्ट्रोक। ये ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे प्लेस किया है, अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज को अगर आप देख लो, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जो है वो कॉर्नर के अपर कॉर्नर के हिसाब से सेट हुई हुई है। अपर कॉर्नर की एक्स की पोजिशन ये दिख रही है, वाई की पोजिशन ये दिख रही है, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और इसकी विड्थ भी दिख रही है और इसकी हाइट भी दिख रही है। अगर आप इसकी विड्थ और हाइट वन बाय वन करना चाहो, यहां से भी कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन वन विड्थ, और अगर आप ये चाह रहे वन विड्थ होते ही हाइट भी वन ही हो जाती तो इस चेन को ओपन कर दो, लिंक कर दो, ये लिंक बटन होता है, लिंक कर दोगे तो फायदा ये होगा कि जो वैल्यू आप इधर दोगे वही आपकी ऑटोमेटिकली दूसरे की भी सेट हो जाएगी। लेकिन ये ऑन करने से पहले, अच्छा इसको ऑन करने से पहले आपने एक चीज का ख्याल करना है। मिसाल के तौर पे आपने ये वन दे दिया और इधर आपने टू दे दिया, वन इज द विड्थ टू इज द हाइट, ये आपको रेक्टेंगल की नजर भी आ रही है। अगर मैं कलर कर दूं तो और आपको बेहतर अंदाज में पता चलेगा, तो कलर आप इसका अपीयरेंस से भी कर सकते हो, और ये ऊपर आपको पैनल है यहां से भी कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। कलर मैं जरा डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको पता चले। ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपके चार कॉर्नर्स हैं और हर एक साइड का सेंटर पॉइंट भी है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। ये आपको यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज प्रेजेंट हो रही हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस हो रही है, और ये आपका कॉर्नर है। कॉर्नर की पोजीशन अगर आप इसकी सेट करना चाहो, अच्छा एक चीज जो मैंने आपको बतानी थी, विड्थ और हाइट अगर आप प्रोपोर्शनली इस वक्त ऑन कर दी है, एक बटा दो, वन विड्थ हाइट टू, अगर अब इसको ऑन करोगे और अब इसकी वैल्यू चेंज करोगे, अगर विड्थ की करते हो तो हाइट भी चेंज हो रही है, विड्थ की चेंज करते हो हाइट भी चेंज हो रही है। ये रेशो के हिसाब से चेंज करता है, ठीक है। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वाई बिकॉज दिस इज ऑन, ठीक है। और अगर आप दोनों को इक्वल करना चाह रहे थे तो इसको पहले ऑफ करो, इन दोनों को इक्वल कर दो पहले, बाद में स्टूडेंट को समझ नहीं आती, इन दोनों को कर दो इक्वल पहले, कर दिया, वन विड्थ है वन हाइट है, इंचेस में है, आई एन इंचेस आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको ऑन करना है, अब इसका फायदा ये होगा विड्थ के साथ हाइट भी उसी प्रपोर्शन से बढ़ेगी, अगर वो डिफरेंट प्रपोर्शन होंगे तो वो वैल्यू को इसी तरह जो है वो ऑन रखेगा, और अगर आपने सेम करके इसको ऑन किया तो फिर भी इसको ऑन रखेगा, लेकिन अब इक्वली होगा, विड्थ राइट इकट्ठी आपकी कम भी हो रही है 2.75, और अगर ये आप नीचे से भी करोगे वैल्यू चाहिए तो ऊपर वाली भी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगी। ये जी ट्रांसफॉर्मेशन टू 1.5 1.25 और 1.125 और 1 inch, इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें इसकी वैल्यू भी है, एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू का मतलब है इसको आपने, इसको मैं जीरो कर देता हूं, और ये रूलर के हिसाब से इसकी प्लेसमेंट हुई। अब आप कहोगे सर ये किधर चला गया, इसकी रीजन क्या है, रूलर जरा ऑन कर लेते, और ये वैल्यू आपकी, क्योंकि आर्टबोर्ड आपने कोई डिलीट किए थे ना, इसको एक आप इसकी अलाइनमेंट पोजीशन कर लो उसके मुताबिक, क्योंकि मैंने कुछ फालतू आर्टबोर्ड थे मैंने फर्स्ट वाला असल में खत्म कर दिया था, तो ये देखो इसको जरा सेट कर लेते यहाँ पे, ये एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो है स्टूडेंट्स, और वाई की वैल्यू भी जीरो है यहाँ। अगर आप जूम करके देखना चाहो, जल्दी से दिखा लेता हूं, ये देखिएगा, ये आपकी एक्स की वैल्यू भी जीरो है और इधर वाई की वैल्यू भी जीरो है, तो
तो 0 0 आपकी जो पोजीशन हुई है इस रेक्टेंगल की, इस कॉर्नर की वैल्यू के मुताबिक ये 0 0 है, एक्स वैल्यू भी 0 है और वाई वैल्यू वर्टिकल रूलर के भी 0 है। ये कहाँ सेट की है स्टूडेंट्स? ये मैंने सेट की है इस ऑप्शन के थ्रू। और इसमें एक चीज का ख्याल रखना, आपने यहाँ पे इसकी पोजीशन जो करनी है रेलेवेंट टू व्हाट करनी है, ठीक है? तो ये आप यहाँ से ऑन करोगे और ऑन करने के बाद इसको आप मूव अगर करोगे तो ये उसके मुताबिक आपका मूव होते भी नजर आ रहा है। ये मूवमेंट है एक्स एंड वाई के हिसाब से, उसको आप पोजिशन कर सकते हो। जहां तक इस ऑब्जेक्ट की, ये मैंने असल में ये मूवमेंट हो रही है आर्ट बोर्ड की, क्योंकि मैंने आर्ट बोर्ड को इस वक्त एक्टिवेट किया हुआ है, आर्ट बोर्ड मूव हो रहा है। ये भी देखिएगा कितनी मजे की चीज है कि आर्ट बोर्ड को भी आप रूलर के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आर्ट बोर्ड को अपने 0 और ये भी 0 पे कर दिया, क्योंकि आर्ट बोर्ड मेरा इस वक्त एक्टिव है इसलिए वो पोजिशन ले रहा है। इस कॉर्नर की पोजिशन है किसकी? आर्ट बोर्ड के कॉर्नर की पोजिशन है 0 0 पे। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट की पोजिशन करना चाह रहे हो, यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट को मिसाल के तौर पर मैं यहाँ रख लेता हूँ आपके सामने। देखो मैं पोजिशन करूंगा, इसको मैंने क्लिक किया, एक्टिवेट किया। इस वक्त इसकी एक्स वैल्यू पोजीशन है 3 पॉइंट समथिंग एंड वाई भी 3.1 समथिंग। ये ऊपर आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अगर आप चाह रहे हो कि इसको मैं बिल्कुल कॉर्नर पे लगा दूं और कॉर्नर भी इसके कॉर्नर को, अपर कॉर्नर को 0 और 0 के ऊपर रखना चाह रहा हूं, ये लो जनाब ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। जैसे मैंने किया वो देख रहे हो, आपकी पोजिशन रेलेवेंट टू कॉर्नर ऑफ पोजिशन एक्स की वैल्यू 0 और वाई की भी 0। अगर आप कहते हो मुझे कि इस रूलर के मुताबिक इसको 2 पे ले आओ, इसको मूव करके 2 पे लाने की जरूरत नहीं, आप इस कॉर्नर के हिसाब से इसको यहाँ पे 2 कर दो, बस इतनी सी बात है। ये मूव हो जाएगा आगे की तरफ, ये देखो रूलर के हिसाब से पोजिशन कर रहे हो, ये 1.5 पे आ गया। 1.5 पे स्टूडेंट इसका कौन सा पार्ट है? कॉर्नर है। कौन सा पार्ट है? कॉर्नर है, क्योंकि ये आपने डॉट को ऑन किया हुआ है। अगर आप चाह रहे हो कि सेंटर पॉइंट के हिसाब से पोजीशन लेना चाहे, यहां ले आओ सेंटर। इस वक्त जो इसका इस वक्त सेंटर है वो ये है, ये वाला जहां पे मेरा इस वक्त पॉइंटर है, ये एरो। सेंटर इस वक्त कहां पे है जनाब? हॉरिजॉन्टली 2 पे है, एक्स की पोजीशन 2 है और वर्टिकल पोजीशन क्या है इसकी? 0.5 पे है, ये सेंटर की बात कर रहा है। और अगर इसका अपर कॉर्नर देखो कहां पे है? 1.5 और 0 पे। राइट कॉर्नर देखो तो कहां पे है? रूलर के हिसाब से 2.5 पे, ये 2.5 है कॉर्नर उसका। और अगर इसकी वाई की पोजीशन देखो तो वो आपको 0 में, ठीक है? ये कॉर्नर की बात हो रही है। अगर आप ये नीचे वाले कॉर्नर की एग्जैक्ट मालूम करना चाहो, एक्स की वैल्यू की पोजीशन वाई की, तो ये आप खुद भी मैनुअली भी अपनी आंखों से भी देख सकते हो। और अगर आप यहां से देखना चाहो तो इस कॉर्नर को एक्टिवेट करके आप इस पोजिशन को भी ट्रेस आउट कर सकते हो। ये जो नीचे वाला कॉर्नर है इस वक्त एग्जैक्टली इसकी पोजीशन एक्स के ऊपर 2.5 है और वाई के ऊपर रूलर के मुताबिक 1 है, ये आप बिल्कुल देख सकते हो। और अगर इसका एग्जैक्टली सेंटर इस वक्त कहाँ है, ये सेंटर को जैसे क्लिक करोगे 2 पे, आपका एक्स वैल्यू 2 पे सेंटर है, वाई की वैल्यू 0.5 पे सेंटर है। इस तरह ये आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म में एग्जैक्टली रूलर के मुताबिक अपने ऑब्जेक्ट की मूवमेंट डिसाइड कर सकते हो, उसको जंप करवा सकते हो, खुद मैन्युअली भी कर सकते हो और ट्रांसफॉर्म के इन जो दो बॉक्सेस हैं इससे भी आप इसे सेट कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज है। और ये एक चीज याद रखना, जैसे जैसे मूव करोगे आप सेंटर पॉइंट को वो रीलोकेट करते हुए एक्स वाई में नजर आएगा, ये देखो ये देख रहे हो जैसे मैंने उसको मूव किया साथ साथ ये, और एक्स और वाई की पोजीशन भी आपकी सेट हो रही है। ये लें जी हाँ, अगर आपसे कोई पूछे ना स्टूडेंट इस वक्त आप कहाँ पे हो, तो आप इसकी सेंटर पॉइंट की वैल्यू जो है वो 4.75 है, जो कि हॉरिजॉन्टल रूलर के मुताबिक ये बनती है, और वर्टिकल आपकी, और ये मैं चलेंगे गाइडलाइन भी लगा कर बता देता, ये सेंटर। और इसी तरह ये बॉक्स की सेंटर की बात हो रही है, पेज के सेंटर की बात नहीं हो रही, ठीक है? पेज के सेंटर की बात नहीं हो रही। अच्छा अगर आप कहो क्या ये पॉसिबल है ये बॉक्स एग्जैक्टली आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ जाए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, वेरी इजी वे टू डू इट। क्लिक करो इस बॉक्स को और आपको जो अगली ऑप्शन सिखानी है वो अलाइन की है। अलाइन ऑप्शन ये मौजूद है, ये अलाइन है।
और एक चीज का ख्याल रखना, आज मैंने आपको दोनों चीजें फटाफट करवा दे दी, एक ट्रांसफॉर्म एक अलाइन। ट्रांसफॉर्म ये ऊपर वाला एरिया है, अलाइन ये नीचे वाला एरिया है। अपेयरेंस वाला हम पैनल कर चुके हैं, आज हम अलाइन को देख रहे हैं। अलाइन में ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जैसे लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर, और ये लिखा हुआ है वर्टिकली अलाइन सेंटर। लेकिन आप कहोगे किस एंगल से ये कह रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, वो आपने यहां से इसको चेक कर लेना। ये क्या लिखा हुआ है, अलाइन टू। अलाइन टू में मैंने आपको बोला तीन ऑप्शंस होती हैं, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू ऑब्जेक्ट और अलाइन टू आर्टबोर्ड। इस वक्त जो आपको ब्लू नजर आ रहा है वो अलाइन टू आर्टबोर्ड है, ये आपने एक्टिवेट करना है। और अब मजे की बात है, अगर ये ऑन है तो अब आपका ये बटन खुद ब खुद आर्टबोर्ड के सेंटर में इसको खुद ही ले आएगा, हॉरिजॉन्टली ये आ गया, वर्टिकली भी करना है ये आ गया। अगर आपसे कोई कहे कि ये इसकी पोजीशन कहाँ पे है, आपको कि आर्टबोर्ड के सेंटर में है। गाइडलाइन फिलहाल मेरे लिए इस वक्त किसी कोई मानी नहीं रखती, इनको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, इस वक्त ये जो रेक्टेंगल है या स्क्वेयर है, ये सेंटर ऑफ द आर्टबोर्ड है। आपको क्या अभी पॉसिबल है कि कुछ और ऑब्जेक्ट हो वो भी ऐसा ही करें? बिल्कुल कर सकते हैं, आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहो आप बना लो। मिसाल के तौर पे ये मैंने बिल्कुल राउंड शेप में सर्कल बनाया, ठीक है, इसकी फिलिंग भी मैंने ब्लैक कर दी। और अगर मैं कहूं कि ये आर्टबोर्ड के सेंटर में आ सकता है, एक तो ये इसको मैन्युअली ड्रैग करके यहाँ ले आओ, मैन्युअली ड्रैग करके ले आओ, बजाय आप मैन्युअली लाने के, आप इसको सिलेक्ट करने के बाद अलाइन का बॉक्स में जाके सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना, ये अच्छा ये थ्री डॉट्स एक्सपेंड करता है, ठीक है, शो ऑप्शंस को फुल फ्लैश कर देता है, ये हाइड कर देता है। तो आप फुल इसको ऑन कर लो। अभी मैं ऊपर वाली ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ, नीचे वाली अभी नहीं कर रहा, ये दोनों नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर वाली रो को, ये वाली अलाइन से रेलेवेंट इस ऑप्शन को। और आपने एक चीज का ख्याल रखना, अलाइन टू व्हाट, राइट नाउ आपकी ऑप्शन जो इस वक्त आपको प्लेसमेंट के लिए लेके जाएगी वो रेलेवेंट टू योर आर्टबोर्ड है, ऑन है, इस वजह से ये देखो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ गया और आर्टबोर्ड के, और ये वर्टिकल सेंटर में आ गया। कितने आराम से आपकी पोजिशनिंग आपकी हो रही है और आपकी कितनी अच्छी सिमेट्री के साथ वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए जा रहे हैं। इसका मतलब आप कुछ भी बनाओ, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट बनाना है। और बनाने के बाद अगर आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो इजीली। करने का तरीका, अलाइन, अलाइन से पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, करने के बाद अलाइन का। अब मैं एक नेक्स्ट वे आपको बताता हूँ, आपने एक काम करना है स्टूडेंट्स, आपने प्रॉपर्टी बॉक्स से भी ये तीन काम कर सकते हो जो मैं आपको आज सिखाऊंगा। एक इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, एक इसकी अपेयरेंस तो हमने देख लिया था, एक इसका अलाइनमेंट। बेहतर है आप विंडो मेन्यू में जाओ और आप यहाँ पे अलाइन की ऑप्शन जो कि शिफ्ट F7 है, इसको ऑन कर दो, ठीक है, या इसको ऑन कर दो, या दूसरी ऑप्शन जो है ट्रांसफॉर्म की बिल्कुल नीचे, इसको ऑन कर दो, या आप थर्ड ऑप्शन जो आज सीखनी है अभी थोड़ी देर में, वो है पाथफाइंडर। ये तीनों ऑप्शंस आपकी इकट्ठी ऑन हो जाती हैं, इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये ग्रुप की सूरत में अवेलेबल हो जाती है। और ये आ गई, कहाँ है, ये बॉटम पे पड़ेंगे, ये लो मैं जरा इसको उठा के यहां रख देता हूं। तो जिस तरह मैंने आज आपको अपनी स्लाइड पे भी दिखाया, यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ये तीन ऑप्शन इकट्ठी आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और इन तीनों का मकसद एक ही है, जो आपके पास सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना, नंबर वन, नंबर टू अलाइन करना, और नंबर थ्री पाथफाइंडर के थ्रू इन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी दो या दो से ज्यादा शेप्स को रिक्रिएट करना, रीअरेंज करना। तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि पाथफाइंडर का इस्तेमाल क्या है। पहले आपने टोटली फोकस करना है दो टैब्स पे, एक है ट्रांसफॉर्म का, दूसरा है अलाइन का, ठीक है। अलाइन इस वक्त हम कर रहे हैं, तो अलाइन चाहे आप प्रॉपर्टी बॉक्स के अंडर पड़ा हुआ अलाइन यहां से इस्तेमाल कर लो, या इस अलाइन के साथ चले जाओ। और यहाँ पे आपने सबसे पहले ख्याल ये करना है अलाइन टू में जाके कि इस वक्त करंटली ऑप्शन कौन सी एक्टिवेट है, हमें इस वक्त राइट नाउ वी नीड वन, दिस वन ना, अलाइन टू आर्टबोर्ड। बाकी भी बताता हूं आपको, पहले इसको ऑन कर लो, अलाइन टू आर्टबोर्ड, और यहां से आर्टबोर्ड का सेंटर हॉरिजॉन्टली आ गया।
और ये आर्टबोर्ड का सेंटर वर्टिकली आ गया, और इस तरह आप अपने उस ऑब्जेक्ट को ऑर्डर करने में, प्लेस करने में आसानी। अब आपको कुछ समझ आनी शुरू हो गई होगी। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर ये ऑब्जेक्ट अलग अलग भी होते, अलग अलग पोजीशन पे भी होते, इन तीनों को आप सिलेक्ट कर लेते, नंबर वन। नंबर टू, आप यहां पे बताते उसको इस वक्त ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन अभी मुझे राइट नाउ इसको आर्ट बोर्ड के हिसाब से अलाइन करना है, तो आर्ट बोर्ड को एक्टिवेट कर लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट यही होता है। और हॉरिजॉन्टली आप सेंटर, ये हो गया, सारे आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ गए, और वर्टिकली सेंटर में ही आ गए। इस तरह भी कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, अंडू कर देता हूं, अंडू, दोबारा से देखिएगा। अगर आपके पास तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए या 300 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए, आपने बड़ी आसानी से अलाइनमेंट कर सकते हो इन तीनों, चारों, पांचों ऑब्जेक्ट्स की। आपने सिर्फ पहले ये देखना है कि आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइनमेंट आपको रिक्वायर्ड है, तो ये ऑन रखो। अब आर्टबोर्ड के हिसाब से अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करूंगा हॉरिजॉन्टली, तो ये होगा आर्टबोर्ड के लेफ्ट पे आ जाएगा, सब कुछ आर्टबोर्ड की बाउंड्री पे आ जाएगा, आर्टबोर्ड के एज पे आ जाएगा, आर्टबोर्ड के किनारे पे आ जाएगा। कौन से किनारे पे आ जाएगा? लेफ्ट साइड पे। ये कौन से किनारे पे आ जाएगा? राइट साइड पे। ये कहां आ जाएगा? हॉरिजॉन्टली सेंटर में। अगर ये आप क्लिक करोगे ना, ये वाला, ये लिखा हुआ है वर्टिकली अलाइन टॉप, किसके? आर्टबोर्ड के। देख रहे हो, हर एलिमेंट का जो टॉप है वो आर्टबोर्ड के टॉप के साथ जाके मिल गया, क्योंकि आर्टबोर्ड आपने कहा हुआ है, इस वजह से। और अगर आप इसको ये कहते हो सिलेक्ट हुए में तीनों, आर्टबोर्ड के टॉप आपने किया, आर्टबोर्ड के बॉटम पे चले जाओ, अब आप देखो हर एक का जो बेस है वो बॉटम पे लग गई। हर एक का टॉप आपने लगाना है तो ये कर दो, हर एक का बॉटम बेस पे लगाना है ये कर दो, हर एक को आप लेफ्ट पे रखना है ये लेफ्ट पे चला जाएगा, हर एक को राइट पे रखना है ये राइट पे चला जाएगा, हर एक को आपने हॉरिजॉन्टली सेंटर में रखना है ये चला जाएगा, हर एक को आपने वर्टिकली सेंटर में रखना है ये चला जाएगा। कितने मजे से वो आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की तरतीब लगा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक और चीज भी इसमें देख लो। आप अगर स्टूडेंट्स ये चाह रहे हो कि ऑब्जेक्ट पढ़े में फासले पे, जैसे ये देखो, अंडू करते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह पढ़े हुए थे, एक ऑब्जेक्ट डिसलेक्ट करो, एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है। अगर आप इसका फासला देखो तीनों का, पहले से दूसरे का कम है, दूसरे से तीसरे का ज्यादा है। अगर आप चाह रहे हो कि इसको इस तरह करें, एक तो देखो मैन्युअली आप कर सकते हो, ऐसे मैन्युअली भी आप इसको रीलोकेट कर सकते हो। ये फासला कम है, आप चाह रहे हो ये दोनों के दरमियान में आ जाए, तकरीबन आ गया, तकरीबन मैं कह रहा हूं, एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा, एग्जैक्टली करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए आपने काम करना है, आपने इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अब आपने अगर इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, वो तो हम ले आएंगे, ऐसे आ जाएगा, या लेफ्ट पे लाना है या राइट पे लाना है, ये तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपका हूं, इनके दरमियान का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, इनके दरमियान का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, तो डिस्टेंस को सेम करने के लिए स्टूडेंट आपने इन ऑप्शंस की तरफ जाना है। ये डिस्ट्रीब्यूट और वर्टिकल है, ये वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या है, ये जो इसका टॉप है ना सर्कल का, इससे जो के टॉप से जो स्टार का टॉप है वो इक्वल हो जाएगा, टॉप से टॉप इक्वल हो जाएगा इस ऑप्शन से, बराबर बराबर। लेकिन एक चीज का और आपने इसमें बड़ा अच्छा एक इसका एक्सपेरिमेंट आपने देखा, ये जो टॉप है ये रेलेवेंट टू अलाइन टू आर्टबोर्ड हुए हैं, देखो अलाइन टू आर्टबोर्ड हुए हैं, इसने इस चीज की भी टेक केयर की है, जरा चेक करो,
इसने इस चीज की भी टेक केयर की है कि ये जो प्लेसमेंट होगी इसका टॉप यहां से स्टार्ट होगा पहले का जो ऊपर पड़ा होगा, और उस टॉप से फिर रेक्टेंगल का टॉप, और रेक्टेंगल के टॉप से जो इसका फासला है वो आर्ट बोर्ड के जो एज है बॉटम वाला उसके मुताबिक हो। अगर आपको मैं ये कहूं कि ये जो सिलेक्शन है इससे रेलेवेंट होना चाहिए, इसकी अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हो सकती है। अभी अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, ये वाली भी कर रहा हूँ। अगर मैं ये वाली कर रहा हूँ तो स्टूडेंट याद रखना सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर, आर्ट बोर्ड के हिसाब से अरेंजमेंट होगी ऐसे। अंडू कर देता हूं। अगर आपको मैं ये कहूं ये वर्टिकल अलाइनमेंट हो, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन इस सिलेक्शन से आउट ना हो, इस सिलेक्शन से आउट ना हो, मतलब आर्ट बोर्ड के मुताबिक ना हो बल्कि इस सिलेक्शन के मुताबिक हो, यू हैव टू गो विद सिलेक्शन। ये फर्क है। आर्ट बोर्ड कहोगे आर्ट बोर्ड को कंसिडर करेगा, अगर सिलेक्शन करोगे आप सिलेक्शन को कंसिडर करेगा बिफोर डिस्ट्रीब्यूट ईच अदर रेलिवेंट टू द सेंटर, रेलिवेंट टू द टॉप, रेलिवेंट टू द बॉटम, सेंटर कर लेते हैं। फर्क समझ आया? अलाइन टू सिलेक्शन और अलाइन टू आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड में आर्ट बोर्ड को वो फोकस करेगा, सिलेक्शन में जितना एरिया है उसी के अंदर उसकी डिस्टेंस एक से दूसरे का बराबर बराबर सेट कर देगा। इसकी जरूरत कहां कहां पड़ सकती है? अच्छा, इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल देख लिया, हॉरिजॉन्टल भी है। चलिए एक और काम करते हैं, बाद में आपको कोई फॉर्म बनाना पड़ जाता है। ये बना लिया, ये एडमिशन फॉर्म आपने बनाया, ठीक है, और इस फॉर्म में आपको जरूरत पड़ गई कुछ ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने की। ये फॉर्म की बाउंड्री भी लगा लेते हैं, इसका कलर भी सेट कर देते हैं, अच्छा इस फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट को रीऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि इस लेयर को सामने रखो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए जानना। इसको रीऑर्डर कर लो, ये लो टेक्स्ट आके ऊपर आ जाए। अच्छा ये टेक्स्ट है आपका, अगर मैं आपको कहूं यहां पे टेक्स्ट मैं अगर रख दूं और मैं आपको कहूं कि एडमिशन फॉर्म इस बॉक्स के सेंटर में है हॉरिजॉन्टली, नो इधर फासला ज्यादा नजर आ रहा है, इधर कम नजर आ रहा है, आप इनको कर सकते हो अलाइन, बेहतर है अलाइन कर लो ताकि कोई भी आपको डाउट अगर है वो दूर हो जाए, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करो, इसको भी शिफ्ट के साथ यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है, दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है। कंफर्मेशन कहां से होगी? लेयर पैनल से। और अलाइनमेंट कहां से होगी? अलाइन पैनल से। और अलाइनमेंट में आपने इसको किसके मुताबिक अलाइन करना है, आर्ट बोर्ड के या इस बॉक्स के? बॉक्स के तो आप सिलेक्शन ही ठीक है आपके लिए, या एक काम करो और इसको मेक श्योर करो इसमें की ऑब्जेक्ट बताओ कि इसमें से मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसके मुताबिक दूसरों को अलाइन करना है। दूसरा इसमें कौन है? एडमिशन फॉर्म टेक्स्ट। और मेन कौन है? कि येलो रेक्टेंगल, तो ये भी यूज कर सकते हो की ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज का ख्याल रखना, अगर आपने की ऑब्जेक्ट कहा तो की ऑब्जेक्ट इस वक्त एडमिशन फॉर्म है, वो क्यों? ये ब्लू नजर आना शुरू हो गया। आप जिसको की ऑब्जेक्ट कहना है उस पर क्लिक कर दो, दोनों को सिलेक्ट करो पहले, फिर इनमें से की ऑब्जेक्ट कौन सा, ये है या ये है? ये जिसके बॉर्डर ब्लू हो जाएंगे वो की ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर इसको करना है इसको कर दो, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको बताना पड़ेगा इसमें से मेन कौन है जिसके मुताबिक दूसरे को या बाकियों को अलाइन करे। की ऑब्जेक्ट विच वन इज अ की ऑब्जेक्ट राइट नाउ? रेक्टेंगल। इसको करोगे ये हो जाएगा की ऑब्जेक्ट। इसके मुताबिक थोड़ी बॉक्स को अलाइन करना है, आपने
इस टेक्स्ट को बॉक्स के मुताबिक करना है, जिसके मुताबिक करना है उसको की ऑब्जेक्ट कह दो ऐसे। और अब आप इसको कहो इसके कहां चला जाए, हॉरिजॉन्टली सेंटर में। बात पिक की है, क्या आपको इन तीनों का समझ आई है? अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट और अलाइन टू आर्टबोर्ड में फर्क क्या है? इसमें एक एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ता है कि जब आपने 10-15 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपको एक ऑब्जेक्ट बताना है जिसके मुताबिक बाकी अपने आप को सेट करें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। एक और एग्जांपल देखो, मैंने यहां पे एक टेक्स्ट लिखा, ले जी ये दो चीजें आपकी फाइनल हो गई हैं, इसको लॉक कर दो बेहतर है, टेक्स्ट भी और बॉक्स भी जो ग्राउंड है उसकी। अब जरा टेक्स्ट लिखते हैं ताकि मुझे दिक्कत ना हो, कोई मसला ना हो। यहां लिखता हूं नेम, फॉर्म का टेक्स्ट जो भी लिखना है आप लिख दो, इसकी जो प्लेसमेंट करनी है कर दो। करने के बाद अगर मुझे यहाँ बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं, मैं यहाँ बना लूँगा बॉक्सेस। कैसे? वेरी सिंपल वे टू डू इट, आप यहाँ पे बॉक्सेस बना लो। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ठीक है। इस तरह के मुझे यहाँ पे मजीद कुछ बॉक्सेस चाहिए, तो आसान तरीका ये होता है कि इसको आप ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो ऐसे, और इसको क्या कर दो, कंट्रोल डी। अच्छा, एक तो स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं अगर करना चाहो। अच्छा, बाज का ये होता है कि ये पोजीशन मैं आपको सिर्फ अलाइनमेंट की ऑप्शन समझाने के लिए इनका डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। दरमियान का डिस्टेंस किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, ठीक है। आपने इन सब ऑब्जेक्ट को, अच्छा एक चले ये भी करते हैं, एक और काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट मैं रखता हूं यहां पे, ये वर्टिकली भी आपस में गड़बड़ लग रही है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस भी गड़बड़ लग रहा है, वर्टिकल पोजिशनिंग भी। अच्छा जरा अब मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं अलाइन का इस्तेमाल कहां पे हो सकता है। सबको सिलेक्ट किया, सारे बॉक्स सिलेक्ट हो गए। अब आप ये चाह रहे हो कि इसका जो बॉटम है पहले वाले स्क्वायर का, बाकी भी इसी पे बॉटम पे अलाइन हो जाए, तो आपने यहां पे जाना है, की ऑब्जेक्ट ऑन करना है, ठीक है, और अब आप इसको इसके बॉटम के हिसाब से अलाइन कर दो। बॉटम के हिसाब से, किसके बॉटम के हिसाब से, की ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस वन, क्लिक कर दो, की ऑब्जेक्ट आपका ब्लू बार के साथ आ जाएगा ऐसे, ये कर देना। ये मैं आपको की ऑब्जेक्ट की एग्जांपल समझा रहा हूं, की ऑब्जेक्ट इसलिए लेते हैं कि इसमें से किस ऑब्जेक्ट के मुताबिक बाकी रिस्पॉन्ड करें, इस हुक्म के मुताबिक क्या करना है, बॉटम लाइन कर दो इसके, हुए, देख रहे हो सारे लाइन अप हो गए। अच्छा और क्या करना है, इसके मुताबिक बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसके मुताबिक, ठीक है, या सिलेक्शन के मुताबिक कर दो। मैं कहता हूं सिलेक्शन जो हुई ना, ये पूरे एरिया की सिलेक्शन हुई है, अब यहां पे मुझे सूट करता है सिलेक्शन, सिलेक्शन को इनके दरमियान का फासला, इस सिलेक्शन के दरमियान का फासला सबका बराबर 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 बॉक्सेस का दे दो। ये है जी ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, सेंटर इनके सेंटर के हिसाब से सबका फासला बराबर बराबर कर दो, ये लो सेंटर के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप की ऑब्जेक्ट के हिसाब से करोगे, अब एक और की ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, की ऑब्जेक्ट किसको की ऑब्जेक्ट के तौर पे आपने कहना है, दिस वन, इसको की ऑब्जेक्ट बना ले लेफ्ट वाले को या राइट वाले को, इस वक्त राइट वाला ऑन हुआ है, मैं लेफ्ट वाला कर लेता हूं, की ऑब्जेक्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट से अगले ऑब्जेक्ट का फासला कितना, यहां पर स्पेस बता दो, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, फिलहाल मुझे हॉरिजॉन्टली करना है, इस बॉक्स से इस बॉक्स का फासला कितना, ये यहां से आपने डिसाइड करना है।
कितना कितना दे दूँ, मिसाल के पास जीरो दे देता हूँ, चलें जीरो ही देते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। जीरो क्या हुआ, जो की ऑब्जेक्ट है उससे फासला आग लूंगा कितना, आपने कहा जीरो, कर दिया, अंडू कर दो। दोबारा से देखो, की ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला, इसके मुताबिक क्या करे, कितना फासला, जीरो तो नहीं ना, इससे अगले का फासला कितना, वन कर दूं, बढ़ाऊं इधर से, वन इंच कर देती, ये लो। और इसके लेफ्ट, जो इसका लेफ्ट पार्ट है उससे डिस्टेंस में ये रहो, या सेंटर से वन इंच हो या राइट से वन इंच आगे, बताओ, लेफ्ट से वन इंच आगे, सेंटर से वन इंच आगे, या उसके राइट से वन इंच आगे, ये यहां से डिसाइड करना है। जो स्पेस वन इंच मूवमेंट हो, लेफ्ट एज से हो, सेंटर पॉइंट से हो, या राइट से, राइट से करूंगा तो क्या होगा, राइट के बॉर्डर से एक इंच आगे चला जाएगा, राइट बॉर्डर से, राइट बॉर्डर से ये फासला जो है वो वन इंच का है, ऊपर देख सकते हो, ये इस फासले की बात कर रहा है, राइट से राइट तक का फासला, अंडू कर देते हैं। अब मैं ये ले लेता हूं सेंटर से, अंडू कर देते हैं। अब मैं ये ले लेता हूं लेफ्ट से, लेफ्ट से लेफ्ट बॉर्डर का फासला कितना दिया आपने, वन इंच का। अगर आप समझ तो इसको कम कर दिया जाए तो कम कर देते हैं, ये लो, अंडू करते हैं, की ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑन करते हैं, फासला थोड़ा वन इंच की बजाय 0.5 कर देते हैं। लेफ्ट से लेफ्ट का, लेफ्ट से लेफ्ट का और कम कर दो, ये लो, और पास आ जाएगा, ये लो, लेफ्ट से लेफ्ट बॉर्डर का, लेफ्ट से मतलब क्या स्टूडेंट्स, इसके इस लेफ्ट से इसके इस लेफ्ट का दरमियानी फासला कितना कर दिया गया, 0.25, ऊपर देख लो, 0.25 है, ठीक है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह करना चाह रहे हो सेट, मैन्युअली इंटरेस्टेड हो मैन्युअली कर लो, लेकिन बाद का सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको इसको करना पड़ता है, थ्रू दिस पैनल अलाइनमेंट करनी पड़ती है। तो ये आपको यहां से आप जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली जो वैल्यू दोगे उस वैल्यू के मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा, हॉरिजॉन्टल होगा हॉरिजॉन्टल करेगा, वर्टिकल होगा तो वर्टिकल करेगा, वर्टिकल ये वाली ऑप्शन पे आ जाएंगे। इनके साथ पहले डिस्टेंस बताना है फिर इस पे क्लिक करना है, पहले डिस्टेंस बताना है फिर इस पे क्लिक करना है, तो फिर वो अप्लाई करेगा, वरना आपको समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है। और अब आपने अंडू कर देता हूं, ये आपकी मर्जी है, अंडू फिर कर देता हूं, ये आपकी मर्जी है कि ये दरमियान की स्पेस जो है वो आपने इनमें से कौन सा आपको सूट करता है, करंट सिनेरियो में सिलेक्शन सूट करता है, मेरे ख्याल में सिलेक्शन इज द बेस्ट वन राइट नाउ, या आप एग्जैक्टली फिर मेजरमेंट पे आ जाओ, फासला डिस्टेंस बॉर्डर टू बॉर्डर सेंटर टू सेंटर लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर वो आपकी मर्जी है, प्लेसमेंट ऑफ अगला ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट कहोगे तो वो की ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं ये इसके राइट के हिसाब से हम अलाइन करना चाह रहे हैं, की ऑब्जेक्ट राइट को बना दो, ये लो कि राइट को मैंने की ऑब्जेक्ट बना दिया, क्लिक करने से ऑन होता है, क्लिक करने से ऑफ होता है, ये की ऑब्जेक्ट बन गया। इसके मुताबिक इसके इस बॉर्डर के मुताबिक बाकियों को फासले फासले पे फेंक दो, कितने फासले पे, आधे आधे इंच के, ये लो, और इसके लेफ्ट बॉर्डर से सबको पुश करो टूवर्ड्स, सॉरी राइट बॉर्डर से टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये देख रहे हो, यहां से इसका फासला जो है वो 0.5 है, अगर आप बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, 0.625 कर देते हैं, और बढ़ाना और बढ़ा दो, 0.75 कर देते हैं, जिस की ऑब्जेक्ट को कहोगे उसके मुताबिक बाकी चलेंगे, अगर आप सिलेक्शन कहोगे तो सिलेक्शन के मुताबिक उसी सिलेक्शन, फिर वो उस तरफ नहीं भागेगा, वो सिलेक्शन की बाउंड्री के अंदर ही उनको अरेंज करेगा, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन की बाउंड्री के अंदर ही अरेंज करना चाह रहे हो तो आप फिर ये वाली ऑप्शन ले लेना,
और अब मैं जल्दी से, अगर मुझे रिक्वायर्ड है इसकी कॉपी, वेरी सिंपल, ये लो, ये लो, ये लो, पूरा फॉर्म जितनी जल्दी बनाना है आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल भी इसी तरह होता है। ठीक है, वर्टिकल भी अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखे हैं और उसको आप फॉर्म के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। जैसे ये मैंने बनाया सर्कल, ठीक है, और इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं। मैंने रफली जी इसकी कॉपीज निकाल ली ऑर्डर के साथ। जल्दी जल्दी से निकालनी, किसी का फासला ज्यादा रख दिया, किसी का कम रख दिया। अब इनको आपने सबको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने कह रहे हो इसी सिलेक्शन में रहते हुए इनको आपस में डिस्टेंस सेम सेम कर दे, कहीं देख रहे हो ज्यादा है कहीं कम है। लेकिन जैसे ही आप ये एक्शन करोगे, आपने एक्शन करने से पहले बता देना है अलाइन टू इसी सिलेक्शन में महदूद रहे, तो ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और क्या करना है जी, इसको एक तो लेके आए वर्टिकली इस सिलेक्शन के सेंटर में, आर्टबोर्ड के सेंटर में नहीं, की ऑब्जेक्ट के सेंटर में नहीं। अगर आपने की ऑब्जेक्ट किसी को नॉमिनेट करना है, आप समझते यार ये ठीक है या ये ठीक है या ये ठीक है, इसके मुताबिक बाकियों को तर्तीब लगा दे, फिर की ऑब्जेक्ट की ऑप्शन ले लेना। लेकिन आप सिलेक्शन के साथ अगर करना चाह रहे हो तो सिलेक्शन फिर ऑन कर देना। अब उम्मीद करता हूँ तीन ऑप्शन की समझ आ रही होगी, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्ट बोर्ड। अगर आर्ट बोर्ड करोगे तो मजे की बात देखो, ये खुद ही आर्ट बोर्ड के हिसाब से अलाइनमेंट हो जाएगी, कितना कमाल तरीके से। ये देखो आर्ट बोर्ड के हिसाब से, पहले तो मैं इसको ले जाता हूँ लेफ्ट पे, फिर आर्ट बोर्ड के हिसाब से इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ऐसे, कोई सी यूज करो, कोई टेंशन नहीं, ये आर्ट बोर्ड के हिसाब से अलाइनमेंट है, वर्टिकल है, वर्टिकल है ना जिसमें मैं सोचता हूँ पैरों अंडू कर देते हैं। अगर आप इसको सिलेक्शन के हिसाब से करना जा रहे हो तो फिर सिलेक्शन ले लेना, सिलेक्शन के हिसाब से। क्या आपको समझ आई है हमने किया क्या है? इसका ग्रुप बना लेना, ये वजह क्या बताता हूं आपको। इन सबको सिलेक्ट कर लिया, अब आप चाह रहे हो डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट रेलेवेंट टू आर्टबोर्ड डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा जी, अब अगली बार आपने यहां पे अलाइन की ऑप्शन में ये डिस्कस किया कि किस तरह आप इसकी अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये असल में सॉरी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, इसको अलाइन करना था, अंडू कर देते हैं ये। अगर आप अलाइन इसको अलाइन करोगे ना, ये अलाइनमेंट होगी इसकी, ठीक है, बॉटम पे आ गए, रेलेवेंट टू व्हाट है, रेलेवेंट टू आर्टबोर्ड, टॉप पे लेके जाना है टॉप पे ले जाओ, सेंटर में लेके जाना है सेंटर में ले आओ, बॉटम पे लेके जाना है बॉटम पे ले आओ, ये अलाइनमेंट है। लेफ्ट पे लेके जाना है, सब लेफ्ट पे आ गए, ठीक है, और इनको वर्टिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेंटर में आ गए, बॉटम पे आ गए, और ये आपका टॉप पे चला गया। वो असल में वो अलाइनमेंट करना था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन तो स्पेस इक्वली वो सेट करता है। तो इस तरह आप इन ऑब्जेक्ट्स को आप इस अलाइन की ऑप्शन के थ्रू आप आर्टबोर्ड के ऊपर और सिलेक्शन के मुताबिक और की ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसको अलाइन या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो।
अब मैं आपको एक और ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट हमने बोले इसमें देखनी है, जो कि अभी तक हमने नहीं देखी, एक तो होती है ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, एक होती है ऑब्जेक्ट की रोटेशन। रोटेशन भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हो या स्क्यू करना चाह रहे हो, यहां से कर सकते हो। वैसे तो हम यहां से भी कर सकते हैं ये रोटेट, और रोटेट में एक चीज का ख्याल कीजिएगा कि जब आप रोटेशन हैंडल आपका कॉर्नर पे आता है तो सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है। अगर आप इसका सेंटर पॉइंट बदलना चाह रहे हो रोटेट टूल से, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ये है जी रोटेट, दिस वन ना, ये मैंने एक दिन पहले भी आपको करवाया था, तो ये आप रोटेट टूल से इसको एक्टिवेट करके इस पॉइंट को आप मूव कर सकते हो, जो कि सेंटर में है, इस पॉइंट को यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो। कैसे? ऑल्ट के साथ, और फिर आगे आप वैल्यू दे सकते हो आपका सेंटर पॉइंट, और इसको आप कॉपी करने के बाद इसकी डुप्लीकेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाना हो आप बना सकते हो। ये मैंने हाफ पे छोड़ दिया, ठीक है, तो इस तरह में कोई अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो आप इसको बना सकते हो। ये मैंने रोटेट के साथ किया है, बाकी इसकी ओपेसिटी अगर आपने डाउन करनी है डाउन कर दो, और इसको अगर आपने ग्राउंड के ऊपर एज ए बैकग्राउंड के तौर पे यहाँ पे यूज़ करना है इस फॉर्म के ऊपर आप कर सकते हो। और मज़ीद चाहिए और मज़ीद इसको लाइट टोन में ले जाओ, यहाँ से आप ये कर सकते हो। कोई ग्राफिक्स लगानी है ग्राफिक्स यहाँ से लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। विड्थ बढ़ानी है यहाँ से बढ़ा सकते हो, और इसको आप अपने ग्राउंड के ऊपर एक अच्छे डिज़ाइन के तौर पे आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ये देख रहे हो फॉर्म में बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर एक अच्छा टच उसने ग्राफिक्स के साथ दे दिया, ये रोटेट के साथ मैंने किया है, ठीक है। अच्छा, अब जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर इज, एक स्क्यू भी देख लो, रोटेट तो मैंने बोल दिया, स्क्यू है, स्क्यू भी यही काम करता है। मिसाल के तौर पे आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने स्क्यू करना है, स्क्यू ये होता है, ये स्क्यू है, जितनी डिग्री पे स्क्यू करना है आप कर सकते हो, ठीक है। अंडू कर देते हैं, तो स्क्यू करने के लिए स्टूडेंट्स आप यहां से इसको आप स्क्यू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप स्क्यू वैल्यू दे सकते हो जितनी डिग्री करनी है। पॉजिटिव साइड पे जाना है तो पॉजिटिव ये है, ये लो, और मजीद करना है ये लो, और मजीद करना है ये लो, जितनी डिग्री करना है आप बताते जाओ उतना इसको स्क्यू कर देगा, ठीक है। वैसे स्क्यू करने का एक आसान तरीका भी है, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी स्क्यू कर सकते थे, ये भी स्क्यू हो रहा है, आपको कतन जरूरत नहीं इस ऑप्शन की। तो स्टूडेंट्स क्या करते हो स्क्यू करने के लिए, स्क्यू का मतलब होता है टिल्ट करना, स्क्यू का मतलब होता है टिल्ट करना। बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास हो उसको टिल्ट करना पड़ जाए तो आपने सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे इस ऑप्शन के थ्रू टिल्ट कर लो ऐसे। यही काम करने का एक और तरीका क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और आप उन एंकर्स को एक्टिवेट कर लो, नीचे वाले को करना है या ऊपर वाले को करना है जो भी करना है, उसके बाद आप इसको अगर चाहो ये एंकर्स को एक्टिवेट करके यहां से भी टिल्ट कर सकते हो, ये लो, बात तो वही है, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो टिल्ट, और चाहे आप इस ऑप्शन के थ्रू ट्रांसफॉर्म की इस ऑप्शन के थ्रू टिल्ट कर लो। तो दिस इज ऑल अबाउट अ लाइन एंड, अच्छा जहां तक इसको आपने रोटेट करना है, ठीक है, या स्ट्रेच करना है, यहां से कर सकते, देख रहे हो साइज बड़ा हो रहा है, ट्रांसफॉर्म में ये भी पॉसिबल है, ट्रांसफॉर्म में ये भी पॉसिबल, विड्थ और हाइट आपस में कनेक्टेड है। अगर आप चाह रहे हो विड्थ सिर्फ बढ़ानी है तो इसको ऑफ कर दो, सिर्फ विड्थ बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, आपकी सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं ये वाले,
ठीक है, सिर्फ ये साइड वाले में कर देता हूँ ये, और यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते, कम भी कर सकते, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक के इनको रोटेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहां तक के ट्रांसफॉर्म में आपको फैसिलिटेट करता है कि आप किसी एक कॉर्नर का रेडियस भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखो अपर लेफ्ट कॉर्नर, गौर करो क्या देख रहे हो, एक है या दस है, ऐसी शेप जिसके कॉर्नर्स होते हैं उस पे आपको पता है ये सर्कल्स आपको विजिबल होते हैं, ठीक है, उन सर्कल्स को यूज करते हुए भी माउस के साथ भी कर सकते हो, और ये ट्रांसफॉर्म से भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, चारों कॉर्नर्स को भी किया जा सकता है, किसी एक कॉर्नर को भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म आपका पैनल जो है वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग मूवमेंट, रिगार्डिंग साइज, रिगार्डिंग रोटेशन, स्क्यू, हॉरिजॉन्टल साइज, वर्टिकल साइज, ऑल ऑब्जेक्ट रोटेशन और कॉर्नर्स की वैल्यू को आप स्मूथ कर सकते हो या राउंड शेप में लेके आ सकते हो। अगर मैं आपको एक और चीज सिखाऊं, ये बल्कि मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, ये स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स या स्केल कॉर्नर्स, ये अभी थोड़ा आप वेट कर लो, अभी बताता हूं, अलाइन ये आपको मैंने पूरा बता दिया, ठीक है, तो इसके थ्रू आप अपने बेहतरीन डिजाइन स्क्रीन के ऊपर बनाए जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म अलाइन, ये जो मैंने ये साइड पे किया ये रोटेट के साथ, रोटेट की बेशुमार एग्जांपल हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं रोटेट से, और रोटेट है यहाँ, इसके थ्रू मैं दो तीन एक्शन आपको पहले भी करके दिखा रहा हूँ, रोटेट मैंने आगे भी इस्तेमाल किया, रिफ्लेक्टेड एंड रोटेट दोनों ही बड़े मज़े के टूल्स हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेमो भी दिया रोटेट रिगार्डिंग दिस डिज़ाइन, ठीक है, अच्छा,